उत्तर प्रदेश पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो आम जन तो लगाते हैं, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब ये आरोप विभाग का ही एक दरोगा यानी एसआई लगाए। मथुरा के मार थाने में तैनात एसआई अश्वनी कुमार ने एसएसपी को भेजे इस्तीफा पत्र में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार की परत खोली है। रुतबेदार समझी जाने वाली पुलिस की नौकरी प्रशिक्षु दरोगा को रास नहीं आई। पुलिस विभाग में हर स्तर पर भ्रष्टाचार और अधिकारियों का रवैया सही न होने का आरोप लगाते हुए 4 माह पूर्व नौकरी में आए उप निरीक्षक ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। हम आपको बता दें कि बुलंदशहर के गांव बहापुर निवासी अश्विन कुमार की दरोगा के पद पर वर्ष 2011 में भर्ती हुई थी, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद 2017 में उसे तैनाती मिली। 1 सितंबर को उन्होंने प्रशिक्षु दरोगा के रूप में मार थाने में तैनाती मिली। इसके बाद दरोगा खुद को असहज महसूस कर रहे थे, आखिर उन्होंने त्याग पत्र देने का निर्णय ले लिया। प्रशिक्षु दरोगा अश्विन ने त्याग पत्र एसओ को देना चाहा तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने पंजीकृत डाक से एसएसपी, सीओ और एसओ को इस्तीफा भेज दिया। दरोगा ने इस मामले में कई सवाल भी खड़े किए। उनका कहना था कि वर्ष भर में मिलने वाली 30 CL यानी अवकाश नहीं मिलते। थाना प्रभारी अवकाश की संस्तुति करते समय अनुचित कमेंट भी करते हैं। पारिवारिक समस्या में भी आपातकालीन अवकाश नहीं मिलता। विभाग में भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। पीए डीए आदि के बिल पास कराने पर 10% तक देना पड़ता है। केस डायरी और वाहन चालन बुक के 100-100 रुपए देने पड़ते हैं। पुलिस कर्मियों को मिलने वाले भत्ते बेहद बेतुके हैं। वीआईपी ड्यूटी में जाने का कोई भत्ता नहीं मिलता। घटनाओं को मिनिमाइज किया जाता है जिससे आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा। हम आपको बता दें कि अश्विनी कुमार से पहले मेरठ में तैनात एक दरोगा ने भी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर इस्तीफा दिया था, जिसके बाद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की बात भी कही गई थी। लेकिन एक बार फिर मथुरा में इस तरह का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस खुद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी है। सीओ साहब, एक एसआई हैं ट्रेनी है, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या है पूरा मामला और आप लोग कैसे उसे डील कर रहे हैं? हाँ, एसआई अश्विनी कुमार ये 2015 बैच के अभी अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं। सितंबर 2017 से मार थाने तैनात हैं अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर के रूम में। इनके द्वारा जो है पुलिस विभाग की समस्याओं को दृष्टि रखते हुए और अपने निजी समस्याओं को देखते हुए जो है इस्तीफा उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। हम लोग इनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी जो है समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्य हम जो दूसरी परीक्षा की तैयारी करेंगे जो है, और लेकिन अभी चूंकि इसके पास और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है जो है, हम लोग इनको बातचीत करके समस्या समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने पत्र में एक चीज़ देखी है कि जब कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पर करप्शन की बातें आती हैं, तमाम तरह की समस्याएं उन्होंने भी देखी हैं, तो इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे? इनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जो है, उन सबको जो सुझाव में दृष्टि रखते हुए आश्वस्त कार्रवाई करेंगे जो है। इसके अलावा जो है पुलिस विभाग में थोड़ा ड्यूटी की अधिकता रहती है, चैलेंजिंग जॉब है जो है। अब इनके द्वारा जो है अभी से उसमें असमर्थता व्यक्त की जा रही है, हम लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, समस्या का समाधान कर लेंगे। पुलिस की भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण दरोगा है अश्विनी चौधरी, अश्विनी कुमार, मार थाने में तैनात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि पुलिस विभाग का दरोगा भ्रष्टाचार को लेकर इस्तीफा देता है, तो इसका मतलब तो यह है कि पुलिस में अभी हरीशचंद्र पैदा हैं और पैदा हो रहे हैं। यदि बात सही है तो ये प्रशंसनीय विषय है, और इस तरह के बात से पुलिस के लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उनको एक सीख लेनी चाहिए। अंडर ट्रेनिंग दरोगा जी, उन्होंने अपने विभाग पर आरोप लगाया कि जो फाइल बनाने के पैसे मांगे जाते हैं, कहाँ से पैसे दे, उनमें लेता नहीं हूँ। देखिए, ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुखौटा बदला है, कार्य प्रणाली नहीं बदली है, और ये फाइलों पर पैसा तो सब जगह लिया जाता है। योगी जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मोदी जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, नीचे स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। फाइल खिसकाने के पैसे तो हर काम में लिए जाते हैं और हर जगह लिए जाते हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये चिंतनीय विषय है। जिस बात को लेकर ये योगी सरकार सत्ता में आई थी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर,
वो सिर्फ कोरी बातें रह गई हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा कानून व्यवस्था में कोई पकड़ नहीं, कोई सुधार नहीं, कोरे जुमलेबाजी और कोरी बातें। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल फेल है। पूर्ववर्ती सरकारों पर यह आरोप लगाती रही, परंतु निचले स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। कहाँ कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, विकास के कार्य बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई पैसा स्थानीय स्तर पर नहीं आया है। मैं समझ सकता हूँ पिछले एक साल में मथुरा विधानसभा क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ। पिछली सरकार के जो पैसे मैंने लाके दिए थे सिर्फ वो ही काम हो रहे हैं, बाकी बड़े बड़े बातें मानते पिछली सरकार के पैसे भ्रष्टाचार बढ़ाए। पिछली सरकार के मामले में क्योंकि सख्ती हो गई है और जब सख्ती होती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए और काम बिना पैसे लिए दिए हो नहीं रहा है।